सपोज दैट, सपोज देर आर टू कंट्रीज ए एंड बी, ठीक है, देर आर टू कंट्रीज ए एंड बी एंड द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर. इन कंट्री ए इट टेक्स 10 आवर्स, सो बेसिकली 1 यूनिट ऑफ गुड या आउटपुट विल नीड हाउ मेनी इनपुट्स, ठीक है. सो इट विल टेक 10 आवर्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स, सो एक्स को बनाने के लिए इट विल नीड 10 आवर्स, ठीक है, 10 आवर्स ऑफ लेबर, 2.5 आवर्स टू प्रोड्यूस वाई, ठीक है, दीज आर ऑल इन आवर्स. कंट्री बी टेक्स 15 आवर्स फॉर 1 यूनिट ऑफ एक्स एंड 7.5 आवर्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ वाई. नाउ नाउ टेल मी, नाउ टेल मी वॉट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ध्यान से करेंगे, ठीक है, दिस इज डिफरेंट देन वॉट वी डिड इन द प्रीवियस वन, ठीक है. वॉट वी आर डूइंग इज कंपेरेटिव एडवांटेज. चलो ध्यान से सुनोगे, वॉट आई एम सेइंग, 1 यूनिट ऑफ गुड बनाने के लिए आई विल बी नीडिंग 10 आवर्स ऑफ एक्स, 10 आवर्स ऑफ लेबर टू प्रोड्यूस एक्स, 1x या 2.5 आवर्स टू प्रोड्यूस 1y. नाउ इफ फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स, हाउ मेनी यूनिट ऑफ वाई विल आई हैव टू फोरगो टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स. अब 1 यूनिट ऑफ एक्स के लिए आई विल बी नीडिंग 10 आवर्स ऑफ लेबर, ठीक है, वेर एज 2.5 आवर्स ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस योर 1 यूनिट ऑफ वाई, ठीक है. अब इसमें हम लोग अगर कंपेयर करें, इसमें कंपेयर करें कि 1 आवर ऑफ लेबर में, 1 आवर ऑफ लेबर में आप कितना एक्स बना सकते हो, 1/10 ऑफ एक्स, एंड कितना ऑफ वाई बना सकते हो 1 आवर में, बोलो, 1/2.5 ऑफ वाई, 1/10 ऑफ एक्स एंड 1/2.5 ऑफ, मैं एकदम इजी करके सिखा रही हूँ ऑब्वियसली आपको. तो 1 वाई आप कितने दिन में बना सकते हो, 2.5 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना वाई बनेगा, 1/2.5. अब ये मिल गया आपको, 1 आवर वाला केस मिल गया कि 1 आवर में इतना इतना बन पा रहा है. तो अब बताओ फॉर हाउ मच 1x कितना मेरा वाई मुझे फोरगो करना पड़ा, बताओ कितना वाई मुझे फोरगो करना पड़ा. फॉर 1x हाउ मेनी वाई यू विल हैव टू फोरगो, दीज टू आर नाउ इक्वल क्योंकि दोनों 1 आवर में बन रहे हैं, दोनों 1 आवर में आप इतना बना रहे हो, तो 1x कितना में बनाओगे, 1/10 ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच ऑफ वाई, तो 1x विल बी वॉट, 1/2.5 डिवाइडेड बाई 1/10 विच इज 10/2.5 वाई, येस और नो, कितना हुआ, 1x इक्वल्स टू हाउ मेनी वाई. फोर, वेरी गुड, 4y. अब ये चीज अगर सिंपली समझते तो क्या समझते कि भाई 10 आवर्स इज नीडिंग टू मेक 1x, 2.5 आवर्स इज नीडिंग टू मेक 1y. सो दिख रहा है ना कि आपको इसमें 4 टाइम्स लग रहा है. तो 1y अगर आप बनाओगे, ठीक है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे 4 टाइम्स, मतलब आप 1x बनाओगे उसमें आपको 10 आवर्स लग जाएगा, जिसमें आप 4y इजीली बना सकते थे. बट आई हैव शोन यू दिस केस बिकॉज हमने इस टाइप के सम्स किए हैं. हमने अभी तक क्या किए हैं कि 1 आवर दिया हुआ है आपका, यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ गुड है, हाउ मेनी आवर्स गिविन है. अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या था, हाउ मेनी, लाइक 1 आवर में हाउ मेनी गुड्स, ये करा था. तो 1 आवर में इतने गुड्स, तो 1x इज इक्वल टू 4y, ये हो गया. तो यहाँ अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर निकालना हो, इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 4 है कि मुझे 1x के लिए 4y फोरगो करना पड़ेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 1x इज इक्वल टू 4y ना, 1/4, 1/4 ऑफ एक्स हो जाएगा, हाँ, 0.25. इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, 15
hours needing to make 1x, 7.5 hours needing to make 1y. Comparative advantage. What do you mean by comparative advantage? जहां मेरा opportunity cost of producing the good is low. Country A is producing two goods X and Y. Country B is producing two goods X and Y. तो अब देखना है कि कौन से कंट्री का किस में कंपेरेटिव एडवांटेज है. जिस कंट्री का जहां कंपेरेटिव एडवांटेज होगा वो वही प्रोड्यूस करेगा एंड दोनों आपस में क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे. बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. इंडिया इज गुड इन वन थिंग, यूएस इज गुड इन वन थिंग. तो जो जिसमें आप गुड हो आप वो बनाओ एंड देन यू एक्सचेंज. वाई, उससे आप ज्यादा रिसोर्सेज बना पाओगे, ज्यादा एक्स एंड ज्यादा वाई बना पाओगे विद द गिवन रिसोर्सेज, लेबर, ऑल ऑफ दैट यू हैव. तो यहाँ आप देखो ऑब्वियसली 7.5 आवर्स लग रहे हैं, डबल आवर्स लग रहे हैं. तो आप एक एक्स बनाते, उसके बदले आप 2y बना सकते थे और यहाँ पे इट इज अगेन व्हाट, नहीं यहाँ पे इट इज हाउ मच, 1/2. एक y बनाओगे उतने, उसमें आप खाली हाफ ऑफ x ही बना पाओगे, तो 1/2 0.5 हो गया. यहां हो गया 0.25, ठीक है, बोलो. तो अब बताओ कि किसका किसमें कंपेटिटिव एडवांटेज है. जिसका ऑपर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट गुड इज लोअर, एक्स का अगर हम देखें ऑपर्चुनिटी कॉस्ट इज लोअर, नहीं, एक्स का ऑपर्चुनिटी कॉस्ट लोअर कहां आ रहा है, 2. तो कंट्री बी विल प्रोड्यूस एक्स. क्यों? क्योंकि उसका कंपेरेटिव एडवांटेज एक्स में है. Y का कंपेरेटिव एडवांटेज कहाँ आ रहा है, दिस इज 0.5, दिस इज 0.25, तो यहाँ आ रहा है. तो कंट्री A विल प्रोड्यूस Y. अब मैं देखती हूँ किसने सही आंसर दिया. वेरी गुड, लुवराज ने करेक्ट आंसर दिया था. तो ये देख लो, इज दिस क्लियर नाउ? अभी क्लियर है कि कौन क्या प्रोड्यूस करेगा, कंपेरेटिव एडवांटेज किसका किसमें है, देख के बताओ मेरे को. Mika, is this clear? एक सेकेंड रुकना, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ था. लेट मी चेक मेरा क्वेश्चन कहाँ चला गया. इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, स्टेट विच कंट्री हैज अ कंपेरेटिव एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ एक्स इज कंट्री बी. स्टेट विच कंट्री हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग गुड वाई, which is country A. State which country has an absolute advantage in production of good X. Absolute advantage क्या होता है? अब यहाँ पे absolute advantage कैसे निकालोगे बताओ, यहाँ पे absolute advantage कैसे निकालोगे बताओ. हम लोग क्या करते थे, ध्यान से सुनना, जब आपके आर्स भी दिया हुआ था कि 1 आर में how much of X and how much of Y, तो जितना ज्यादा होगा आउटपुट उसमें उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है. बट यहाँ आप नंबर ऑफ आवर्स बोल रहे हो, तो जितना कम आवर्स होगा उतना ज्यादा एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा. तो हमारे केस में व्हाट डू वी सी, हमारे केस में वी सी दैट एक्स में किसको सबसे कम टाइम लग रहा है, ए को कम टाइम लग रहा है, तो ए का एब्सोल्यूट एडवांटेज है. एंड वाई में अगेन ए को कम टाइम लग रहा है, तो ए का क्या है, absolute advantage. So country A has absolute advantage in good X compared to country B. And X country A का दोनों में absolute advantage है, क्योंकि यहां हम लोग करते थे कि 1 आवर में कितने आउटपुट बना सकते हो, तो 1 आवर में जितना ज्यादा आउटपुट जो बनाएगा उसका absolute advantage है. We don't see the opportunity cost and all that. But यहां पे how many hours is needed to produce one unit? जिसका सबसे कम आर्स होगा उसका उसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा. तो यहां पे दोनों में ही
कंट्री ए का है, बट जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो हम लोग कंपेरेटिव एडवांटेज चेक करते हैं, एब्सोल्यूट नहीं. अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वही जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में करा था, वही चीज है ये. स्टेट वेदर इंटरनेशनल ट्रेड विल टेक प्लेस बिटवीन द टू कंट्रीज इफ द टर्म्स ऑफ ट्रेड इज वन यूनिट ऑफ वाई फॉर वन यूनिट ऑफ एक्स. वन यूनिट ऑफ वाई फॉर वन यूनिट ऑफ वाई, मतलब कि वन इज टू वन, एज इन बी एक्स बेचेगा क्योंकि वो एक्स में उसका कंपेरेटिव एडवांटेज है, तो बोल रहे हैं कि बी वन एक्स देगा और उसको वन वाई मिलेगा. सिमिलरली ए वन वाई देगा और उसको वन एक्स मिलेगा. इज दिस करेक्ट और नॉट, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग. तो इसका हम लोग रेंज ऑफ ट्रेड निकाले, रेंज ऑफ ट्रेड निकालते हैं. चलो रेंज निकालने के लिए लेट स्टार्ट विथ ए. ठीक है, तो ए क्या कर रहा है, वाई दे रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि भाई आई विल गिव यू, एंड हम क्या बोल रहे हैं, वन वाई फॉर कंट्री बी. फॉर कंट्री बी वी आर सेइंग दैट वन वाई, वन, ये मेरा वाई थोड़ा अजीब सा ही बन जाता है, वन वाई इफ आई एम गिविंग यू, हाउ मच मिनिमम एक्स आई विल बी नीडिंग 0.25 ऑफ एक्स, क्योंकि मेरे लिए वन वाई बनाने में 0.25 एक्स को मैंने फोरगो करा है. तो मैं जब आपको 1y दूंगा तो मुझे 1.25x मिनिमम चाहिए. ठीक है, कंट्री ए का बात करते हैं, आ जाओ. कंट्री ए क्या बना रहे, x बना रहे ना, नहीं कंट्री बी, मैंने ये उल्टा लिख दिया है, एक सेकेंड, यहां पे ए यहां पे बी. कंट्री बी का बात करते हैं, आ जाओ. कंट्री बी क्या बना रहे, x. कंट्री बी क्या बना रहे, एक्स. वो बोल रहा है कि अगर मैं आपको वन एक्स दूंगा तो मेरे को कितना उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, फॉर वन एक्स आई एम फोर गोइंग टू वाई, आई एम फोर गोइंग टू वाई, सो आई नीड मिनिमम ऑफ टू वाई. कंट्री बी विल नीड मिनिमम ऑफ टू वाई अगर वो वन एक्स दे रहा है. अगेन ये हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड है. मैंने क्या सिखाया था कि हम लोग एक यूनिट में लेके आते हैं, तो यहां आपने बोला कि वन एक्स इज इक्वल टू टू वाई, तो यहां अजीब लग रहा है, सो लेट्स चेंज इट, लेट्स मेक इट, ये हो गया आपका 1/4, तो 4y तो हम बोलेंगे 4y इज इक्वल टू 1x फॉर कंट्री ए. मतलब कंट्री ए बोल रहा है कि क्योंकि मैं आपको एक y दे रहा हूं, मुझे 0.25x चाहिए, या फिर If I give you 4y, I will be needing minimum of 1x. Are you guys agreeing with this terms of trade? So what we are saying, what is the terms of trade? If you write it opposite, 1x is equal to 4y. ठीक है? So what is the terms of trade? The terms of trade is 1x for 2y and 1x for 4y. This is my range of trade. B, country B is saying if I give you 1x, I will be needing minimum of 2y. Country A was saying if I give you 1y, I will be needing minimum of 0.25x, which is equivalent of saying if I give you 4y, I will be needing 1x. ठीक है, तो ये आपका terms of trade हो गया. ठीक है, अब हमें question में बोला है कि 1 is to 1, अगर हम लोग country A और country B को जाके बोले कि आप 1:1 के ट्रेड में आ जाओ, तो क्या वो आएंगे, विल दे बी एक्सेप्टिंग 1:1, यस और नो, विल दे बी एक्सेप्टिंग 1:1, नो दे विल नॉट एक्सपेक्टिंग, वो रिजेक्ट कर देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे 1:1 वाला चीज. क्यों, ध्यान से सुनो किसका नुकसान है. अगर कंट्री ए का बात कर लो, चलो अगर वो 1x नहीं, अगर वो 1y, यहां पे आओ, वो y दे रहा है ना, अगर वो 1y दे रहा है, अगर वो 1y दे रहा है तो मिनिमम वो 0.25x एक्सपेक्ट कर रहा है, बट उसको मिल रहा है 1x, उसके लिए तो अच्छी बात है, तो कंट्री ए तो मंजूर हो जाएगा. कंट्री ए बोलेगा मेरे लिए तो अच्छी बात है, मैं 1y दे रहा हूँ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 0.25, आई एम गेटिंग 1x, आई एम हैप्पी, आई एम गुड, आई एम गुड टू गो. बट कंट्री बी क्या बोलेगा, नहीं, कंट्री बी विल से दैट इफ आई एम गिविंग यू 1x,
If I am giving you 1x, I need minimum 2y. But you are giving me 1y. Why will I accept it? Why will I accept 1y? I need minimum of 2y. So how can I do with 1y? So country B will not accept. Country B will not accept the offer. Country A ne accept kiya, B accept nahi karega. So this will not happen. This will not happen. The proposed terms of trade of 1x for 1y lies outside this range. So no trade will take place. No trade will take place. इसको आपको अच्छे से समझाना है, आपको opportunity cost समझाना है, आपको बोलना है A has a comparative advantage in Y, B has a comparative advantage in producing X. So A basically has an opportunity cost of 1Y for 0.25X. So it will be accepting कि अगर वो 4Y देगा, उसको बदले में 1X चाहिए. If country A is producing 4Y, it will accept only 1x, minimum of 1x. Whereas country B के लिए opportunity cost पहले बता दोगे क्या क्या है, फिर बोलोगे अगर वो 1x बना रहा है तो it will accept minimum of 2y. So here we see that this is not within the range. Then you talk about the range. Range का 1 mark मिलता है. तो range का 1 mark मिलता है जहां पे वो बोलेंगे आपको कि आप बताओगे कि 1x for 2y or 1x for 4y is the terms of trade. However, this 1:1 does not lie within the range. Country B will not be willing to accept this because usko minimum 2y chahiye, and so this trade will not take place. Very easy. Now, even if you get it in MCQ, even if you get it in a short answer format, comparative advantage, absolute advantage, kabhi mistake nahi karoge. I have done 2 types of sums. This is a little difficult one. Iske pehle wala easy rehta hai samajhne mein. Ek bar khali jo blue wala opportunity cost hai, khali ye nikal liya, to aap kuch bhi kar sakte ho, aage ka proceed kar sakte ho, kyunki ye bhi nikalna bahut difficult nahi hai. Right?